तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं त्योहारों का स्पेशल, बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं टी स्नैक। तो त्योहारों पे अगर चाय के साथ नाश्ता ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत ही झटपट से बन जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप बाज़ार से स्नैक लाना भूल जाएंगे, गारंटी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की खारी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके लिए हमने ले लिया है एक कटोरी भर कर के मैदा। मैदे में हमने डाला है 4 चम्मच रिफाइंड तेल। आप रिफाइंड तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने रिफाइंड तेल यहाँ पे 4 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आने लगती है क्रश करके डालने से। तो फ्रेंड इन चीज़ों को हम इसमें डाल देते हैं। फिर इसको हम नमक डालेंगे इसमें। तो देखिए हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मैदे में बहुत जल्दी नमक पता पड़ता है। नमक डाल करके इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने इसमें तेल डाला है उसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि वो सारे मैदे में अच्छे से मिल जाए। जब इसमें मैदा अच्छे से मिल जाता है तेल में तो ये बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा डो बन के तैयार होता है, नहीं तो डो अच्छा नहीं बन पाता है अगर मैदे में तेल अच्छी तरीके से मिल ना जाए तो। तो फ्रेंड जब तक हम मैदे को मिला रहे हैं तेल में तब तक आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि खारी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड देखिए सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे। ये नॉर्मल पानी है, ठंडा गर्म पानी हम नहीं लेंगे, नॉर्मल पानी लेंगे। नॉर्मल पानी से इसको हम अच्छे से डो बना करके तैयार कर लेंगे। जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं ना उसी तरीके से हम डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छा सा परफेक्ट डो बना करके तैयार कर लिया है। डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो आप इसको अच्छे से मल करके डायरेक्टली बना सकते हैं। फिर देखिए हम सांटा बना लेंगे। तो सांटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है 2 चम्मच देसी घी और हमने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है मैदा, जिस मैदे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं खारी बनाने के लिए उसी मैदा है ये। और हम यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर। तो सारी चीज़ों को देखिए अच्छे से हम मिला देंगे। तो जो ये सांटा बनेगा ना इससे जो परते हमें चिपकाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो हम रोटी बेलेंगे वो बहुत ही आसान से इससे चिपकेगा। तो देखिए सांटे को जितना अच्छा फेटा जाए उतना अच्छा सांटा बन करके तैयार हो जाता है। तो देखिए 2 चम्मच घी से कितना बढ़िया सा सांटा बन करके तैयार हुआ आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्योंकि इसको हमने फेंटा बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो देखिए सांटा हमने बना करके साइड रख दिया। इधर हम डो चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा परफेक्टली तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही नरम हो गया है। तो फिर इसको हम 4 पीसेस कर लेंगे इस तरीके से, चाकू की सहायता से इसको हम काट लेंगे। अभी इसे हमने ना बेलना है ना कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्टली उठाएंगे और 4 टुकड़ों में इसको हम काट लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया फूल गया है, वो टेक्सचर देख करके ही पता चल रहा है चाकू से काटने के बाद। तो सारे को हम इकट्ठे कर लेते, इकट्ठा करके एक बड़ा सा हम फिर से बना लेंगे। इकट्ठा करने के बाद अच्छे से इस तरह करने से मतलब ये बढ़िया सा मैश हो जाता है, अच्छे से एक दूसरे में बढ़िया से मिल जाता है। ये फूलता जिसमें परत उठती है ना तो बहुत ही अच्छे से परत उठती है अगर सारे आटे अच्छे से मिल जाते हैं आपस में तो। देखिए फिर से इसको हमने कटिंग किया है, फिर से इसको हमने इकट्ठा किया इस तरीके से अच्छे से मलते हुए इस तरीके से इसको हम, अब इसको हम सूखा आटा लगाएंगे। तो सूखा आटा लगा करके मोटा मोटा इसको हम बेल लेंगे। सूखा आटा लगा करके आप लोग देख सकते हैं तो मोटा मोटा इसको हम बेल लेंगे, बहुत हमें पतला नहीं बेलना है, मोटा ही अभी बेल करके इसको हमें तैयार करना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इतना मोटा बेला हुआ है। फिर इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे इसको हम, 4 भागों में काट करके अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए तो इतनी मोटी परत है, आप लोग देख लीजिए इतनी मोटी परत में हमें इसको कटिंग करना है। फिर 3 को हम रख देंगे, 1 को उठाएंगे और इसकी लोई अच्छे से बना करके इस तरीके से हम बेल लेंगे।
इसको हमें पूड़ी से भी पतला बेल करके तैयार कर लेना है, क्योंकि जितना पतला रहेगा उतनी अच्छी हमारी खारी बन करके तैयार होगी। तो जितना अच्छा बेला रहेगा उतनी अच्छी खारी बन करके तैयार होगी। तो देखिए इसमें फ्रेंड हमने चार बेल लिया है, चार हमने बना करके अच्छे बड़े बड़े रोटी समझ लीजिए, पूड़ी समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो चार हमने बड़े बड़े बना करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे साटा, जो हमने साटा बना करके रखा हुआ था इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से। तो सारे में अच्छे से साटा फैलाएंगे ताकि एक दूसरे के ऊपर रोटी अच्छे से जो है चिपक जाए। तो देख लीजिए हम अच्छे से साटा को फैला देंगे, फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी इस तरीके से रखेंगे और बराबर से फैला देंगे। तो देखिए फिर से हम इसके ऊपर साटा लगा देते हैं ताकि ये खुले ना, बहुत ही अच्छा से बन करके तैयार हो। फिर एक तरफ से इस तरीके से देखिए हम मोड़ देंगे, फिर इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे और फिर दूसरी तरीके से इस तरह से हम मोड़ेंगे, फिर इसके ऊपर हम साटा लगाएंगे, फिर देखिए इधर से हम मोड़ेंगे और इधर से मोड़ेंगे, तो ये पेटीज टाइप का चार कोण का बन करके तैयार हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा भी इसी प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। दूसरा भी इसी प्रकार से हम तैयार करके साइड रख देते हैं। अब हम एक को उठाएंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जिस शेप में ये है हमने उसी शेप में इसको बना करके तैयार किया है। आप चाहें तो इसको गोल शेप में भी बेल सकते हैं, लेकिन जिस शेप में ये था हमने उसी शेप में इसको बना करके तैयार किया है। बहुत ज़्यादा हम मोटा नहीं रखेंगे, इसको पतला ही रखेंगे। तो देखिए अच्छे से बेलने के बाद इसको हम चाकू की सहायता से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए चाकू उठाएंगे और इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आप छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं, जैसे जैसा बनाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने तो देखिए बिस्किट के आकार का साइज़ का बना लिया है। तो देखिए इतना मोटा है ये, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ना मोटा है ना बहुत ही ज़्यादा पतला है, आप लोग देख सकते हैं। तो सारा हमने बना करके तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से हम प्लेट में इसको उठाएंगे और हम इसको तलेंगे। जी हाँ, ये तल करके तैयार होती है खारी। तो देखिए तेल एकदम मीडियम गरम होना चाहिए, बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, एकदम लो गरम। जैसे समोसा के लिए हम तेल गरम करते हैं ना, उसी प्रकार से तेल गरम होनी चाहिए। फिर इसमें हम सारी खारी को उठा करके डाल देंगे एक एक करके। फिर इसको हम टच नहीं करेंगे, ये मैं हिला रही हूँ इधर उधर की जगह बन जाए तो अच्छे से सारी खारी तेल में जो है डूब जाए। फिर देखिए थोड़ी देर में हम चेक करेंगे तो किस तरीके से परत खुलने लगी, आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया से परत खुल करके तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हुआ है, बिना किसी तामझाम के, ना घंटों आपको इसमें समय गंवाने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तुरंत झटपट से तैयार हो जाता है। तो देखिए जब एक तरफ से ये अच्छे से पक जाएगी ना, तब इसको हम पलट देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी फ्रेंड, आप लोग थोड़ा और लो रखिएगा, डार्क हो गई थी। तो देखिए इसको हम अब निकाल लेते हैं इस तरीके से। सारी खारी हमारी अच्छे से बन करके तैयार हो गई है, कितना बढ़िया पका है आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल परतदार खारी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी खारी बनी थी। तो आप लोग इस त्यौहार पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर मेहमानों के सामने इस तरीके से नाश्ता रख दिया जाए तो मेहमान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए परत वाली खारी आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।